कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, जिसमें कही ये बड़ी बात। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि बढ़ते संक्रमण के दर और लॉकडाउन को लेकर के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर बड़ा बयान दिया है, जो कि हम आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डेली के नए अपडेट्स मिलते रहे। तो सीएम ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीएम अभी लॉकडाउन को लेकर के निश्चित रूप से तैयार नहीं है। अपने बयान में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण रोकने का काम हो रहा है। वहीं लॉकडाउन देश प्रदेश के आंकड़ों का अध्ययन कर निर्णय होगा, आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। तो साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि सुकमा जिले के गादीरास इलाके में स्थित मिच्ची पारा पोटा केबिन आश्रम में कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित 4 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और साथ ही वहीं सीएमएचओ सीबी प्रसाद बंसोड ने आश्रम के 4 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी है। बताया कि बच्चे सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित थे, वहीं अब जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल सभी को लेकर के इलाज के लिए आइसोलेशन में रखा गया है।